हेलो गाइस, वेलकम बैक न्यू वीडियो। आज मैं बनाने जा रही हूँ चटपटी चाट मसालेदार। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि मैंने ये ब्रेड लिए हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि ब्रेड का मैं क्या करूँगी, तो गाइस आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, बहुत ही बढ़िया चाट बनती है। तो गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा। तो अब चलते हैं गैस की तरफ। सो गाइस, ये है छोले की सब्जी चटपटी मसालेदार, जिसको मैं इस तरीके से मैंने बनाया है। आप नेक्स्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं कि छोला किस तरीके से बनाते हैं। मैंने छोले की रेसिपी डाल रखी है, आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं कि नीचे की तरफ। और इस तरीके से छोला मैंने बनाया है चटपटा मसालेदार। इसमें मैंने डाला है आलू, तेजपत्ता के पत्ते, पनीर, टमाटर। इस तरीके से बनाते हैं, वैसे ही मैंने छोला चटपटा मसालेदार बनाया है। तो गाइस, ये छोले को मैंने खूब अच्छे से खोला लिया है। आप देख सकते हैं कि इसमें खूब अच्छे से खोल आ गई है और परफेक्ट बन के तैयार हो गया है। गाइस, मैंने वीडियो नहीं डाली है छोले की वीडियो मैं डाल चुकी थी, तो उसमें आप देखिएगा तो लगेगा कि हाँ, छोला किस तरीके से बनाते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो गाइस, ये बन के तैयार हो गया है चटपटा मसालेदार छोला। अब चलते हैं सेकेंड प्रोसेस की तरफ। तो गैस, ये मैंने गरमा गरम छोला लिया है एक प्लेट में, इस तरीके से ले लेंगे। आलू को भी मैंने डाला है और आलू को गैस कद्दूकस करके डाला है, पनीर के टुकड़े डाले हैं। तो इस तरीके से ये परफेक्ट गरम हो गया है गरमा गरम छोला। ये रही ब्रेड। तो गैस, आप देख सकते हैं कि छोले में से धुआं परफेक्ट अच्छे से निकल रहा है। तो ये ताज़ा छोला बना हुआ है और ये गर्मा गर्म है, और इसके ऊपर रखेंगे ब्रेड। तो गाइस, मैंने ब्रेड को रख दिया है छोले के ऊपर, छोले की सब्जी के ऊपर। अब इसके ऊपर डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। आप चाहे तो हरी मिर्च भी ले सकते हैं, टमाटर भी ले सकते हैं। गाइस, मैंने हरी मिर्च टमाटर का प्रयोग नहीं किया है। इसके ऊपर डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इसके ऊपर डालेंगे गाइस थोड़ी सी छोले की तरी, तो जिसको बोलते हैं रसा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि चटपटी चाट मसालेदार छोले की ब्रेड वाली चाट तैयार हो चुकी है। और इस तरीके से खाइएगा गाइस, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इस तरीके से जब इसके अंदर ब्रेड जो है बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है, और इस और जब ये खाएंगे, ये लिया मैंने ब्रेड का पीस थोड़ा सा, और ये रही छोला। तो गाइस, ये रही चाट चटपटी मसालेदार छोले की चाट। तो गाइस, आपको चाट की रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा और शेयर करीजिएगा मेरी वीडियो। और कम्युनिटी ऑफ से मेरा एक नया चैनल है, उसमें मैं डालती हूँ शॉर्ट्स की वीडियो, उसमें भी आप जाके कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।